हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में बताने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे हमें सर्विसेज की ज़रूरत क्या और ये सर्विसेज होती क्या है। सो अगर आपने आज से पहले थोड़ी बहुत एंड्रॉयड डेवलपमेंट की है तो आपको पता होगा सर्विसेज क्या है, बट अगर आपने नहीं की है तो आपके लिए मैं कह सकता हूँ सर्विसेज हेल्प करती है हमारी एप्स को बैकग्राउंड में रन करने के लिए। बहुत टाइप की सर्विसेज होती है, कुछ बैकग्राउंड सर्विस होती है, कुछ फोरग्राउंड सर्विस होती है। हम चाहते हैं कि हमारी ऐप फोरग्राउंड सर्विस में रन करे, मींस जब वो रन करे तो एक नोटिफिकेशन दिखाए, एंड जब तक वो नोटिफिकेशन है तब तक हमारी ऐप रन करनी चाहिए, एंड जब तक हम उसे क्लोज नहीं करना चाहते खुद से तब तक वो क्लोज ना हो। सो ये कैसे किया जा सकता है वो हम सर्विसेज में सीखने वाले हैं। सो ये एप्लीकेशन हमने अब तक बनाई है। अगर मैं इसमें कोई भी एक सॉन्ग प्ले करता हूँ लेट्स से, और मैं एप्लीकेशन बंद करता हूँ, तो सॉन्ग बंद हो जाता है, और ये हम कभी नहीं चाहते कि हमारा सॉन्ग बंद हो जाए। सो इसके लिए हम सर्विसेज का यूज़ करने वाले हैं। सो आने वाले कुछ वीडियोस सिर्फ सर्विसेज पे होंगे हमारे ऐप को परसिस्टेंट बनाने के लिए, मींस ऐप बंद होने के बाद भी सॉन्ग प्ले होना चाहिए। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सर्विस के लिए सबसे पहले मुझे एक सर्विस की क्लास बनानी पड़ेगी। सो एक न्यू क्लास बनाता हूँ मैं, न्यू कॉटलिन क्लास, एंड इसका नाम लेट्स से मैं म्यूजिक सर्विस रख लेता हूँ। ओके, एंड नेक्स्ट जो थिंग है, मुझे इसके अंदर सर्विस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मींस सर्विस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सर्विस, अब यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहे, मोर एक्शंस इंपोर्ट। अब यहाँ पे मुझे तीन सर्विसेज दिखा रही है, एंड मुझे पहली वाली चाहिए android.app वाली। सो हिट एंटर, फिर उसके बाद कुछ और एरर्स है। सो इम्प्लीमेंट मेंबर्स एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, एंड इसके बाद यहाँ मैं चाहता हूँ ये रिटर्न करे माय बाइंडर। अब ये माय बाइंडर क्या है, यहाँ पे कुछ एरर देगी हमें क्लास बनाने वाले सर्विस के अंदर। सो इनर क्लास माय बाइंडर नाम की एक मैं इनर क्लास बना रहा हूँ जो एक्सटेंड करेगी बाइंडर डॉट एंड्रॉयड डॉट ओएस को। एंड ये क्लास क्या करेगी, इसके अंदर एक फंक्शन होगा करंट सर्विस, एंड ये फंक्शन रिटर्न करेगा दिस एट द रेट म्यूजिक सर्विस। सो ये म्यूजिक सर्विस को रिटर्न करेगा, सो मुझे इसका रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो थिंग है, ये माई बाइंडर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले पड़ेगा। सो प्राइवेट वैल या वैर माई बाइंडर इज इक्वल टू माई बाइंडर। ओके, एंड या इस म्यूजिक सर्विस में एक और ऑब्जेक्ट बनाने वाले प्राइवेट, या लेट्स से पब्लिक ही रहने देते इसे, वैर मीडिया प्लेयर जो टाइप होगा मीडिया प्लेयर, एंड इसे नल भी रखा जा सकता है इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, इज इक्वल टू नल। ओके, अब एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड अब थोड़ा सा समझते हैं हमने किया क्या है। हमने कुछ नहीं किया, एक सर्विस की क्लास बनाई है जो एंड्रॉयड डॉट ऐप सर्विस को एक्सटेंड करती है, एंड उसके अंदर एक अनबाइंड मेथड है जो तब कॉल होगा जब हम सर्विस को किसी भी एक्टिविटी से बाइंड करेंगे। एंड ये अनबाइंड मेथड क्या कर रहा है, एक माई बाइंडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब ये माई बाइंडर क्या है, माई बाइंडर मैंने एक इनर क्लास बनाई है म्यूजिक सर्विस के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे इनर क्लास की ज़रूरत क्या है, ये इनर क्लास हमारी हेल्प करती है हमारे मेन क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने के लिए, इसलिए मैंने इनर क्लास बनाई है। मैं इसके अंदर जो करंट म्यूजिक सर्विस का ऑब्जेक्ट होगा उसे रिटर्न करूंगा दिस एट द रेट म्यूजिक सर्विस लिख के, इस फंक्शन को कॉल करके जिसका नाम होगा करंट सर्विस, इसलिए मैंने माई बाइंडर क्लास बनाई। एंड जब बाइंड करेंगे तो वो मुझे इसका रेफरेंस, जो इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बना उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। दैट्स इट फॉर नाउ। सो आई होप आपको ये समझा। अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे करनी है, अपनी प्लेयर एक्टिविटी में आना है, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे उस सर्विस को कॉल करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्विस को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। सो सर्विस कनेक्शन जो मेरी हेल्प करेगी इस एक्टिविटी को उस सर्विस से कनेक्ट करने के लिए। अब मुझे यहाँ कुछ एरर्स दिख रहे हैं,
मुझे इसके मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे. सो इंप्लीमेंट मेथड्स एंड दोनों को मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ. ओके एक है ऑन सर्विस कनेक्टेड, जब सर्विस कनेक्ट हो तब क्या होना चाहिए, एंड एक होगा ऑन सर्विस डिसकनेक्टेड. ओके इन मेथड्स को हम थोड़ी सी देर में इंप्लीमेंट करेंगे. उससे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, वेयर म्यूजिक सर्विस टाइप का. सो म्यूजिक सर्विस एंड ये नल रखा जा सकता है. ओके ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा सा काम करते हैं. सो अब मैं चाहता हूँ जब सर्विस कनेक्ट हो, ऑन सर्विस कनेक्टेड मेथड जब कॉल हो तब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बने, वैल लेट्स से बाइंडर इज इक्वल टू आई बाइंडर या सर्विस. ये जो आई बाइंडर सर्विस ने जो रिटर्न किया होगा वो यहाँ पे आ जाए, एंड मैं उसका टाइप भी मेंशन करता हूँ एज म्यूजिक सर्विस डॉट माई बाइंडर टाइप का होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट. ये मेंशन करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है वरना कुछ एरर्स आ सकती है. एंड नेक्स्ट जो थिंग है वो है मुझे इस बाइंडर से उस करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना है जो म्यूजिक सर्विस का होगा. तो मैं म्यूजिक सर्विस इज इक्वल टू बाइंडर डॉट करंट सर्विस जो मेथड हमने बनाया था. दैट्स इट फॉर नाउ, इतना होना चाहिए जब सर्विस कनेक्ट हो. एंड जब सर्विस डिसकनेक्ट हो तब म्यूजिक सर्विस इज इक्वल टू नल. ओके अब यहाँ पे सर्विस कनेक्ट भी हो जाएगी, डिसकनेक्ट भी हो जाएगी. अब मुझे सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा. सो उसके लिए जैसे ही एक्टिविटी बने सेट कंटेंट व्यू के बाद मैं चाहता हूँ मैं सर्विस स्टार्ट कर दूँ. तो मैं यहाँ पे एक इंटेंट बनाने वाला हूँ, वैल इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट, एंड वो इंटेंट होगा दिस से लेकर म्यूजिक सर्विस कोलन कोलन क्लास डॉट जावा. एंड यहाँ पे एक मेथड है बाइंड सर्विस नाम का जो हमारी हेल्प करेगा इस इंटेंट से उस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए. सो इंटेंट इसके अंदर मैं इंटेंट पास कर देता हूँ कॉमा. अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे पास करनी है वो है दिस मींस इस एक्टिविटी का रेफरेंस. सो जस्ट सिंपली पास दिस. अब जो नेक्स्ट थिंग मुझे पास करनी है वो एक इंटीजर है जो है बाइंड आउटो क्रिएट. ये एक इंट है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है. एंड इसके बाद फाइनली मैं सर्विस को स्टार्ट कर सकता हूँ. सो स्टार्ट सर्विस एंड इसके अंदर मुझे इस इंटेंट को फाइनली पास करना है ऊपर वाला, एंड ये हमारे सर्विस को स्टार्ट कर देगा. फॉर स्टार्टिंग सर्विस, ओके ये हमारे सर्विस को स्टार्ट कर देगा. अब मैं चाहता हूँ मैं इस मीडिया प्लेयर के ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा दूँ क्योंकि हम लोग सर्विस का प्लेयर यूज करेंगे. अगर हम ये मीडिया प्लेयर यूज करते हैं तो जैसे एप्लीकेशन बंद होगी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसके बाद हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते. बट एज वेल जब हम सर्विस का मीडिया प्लेयर यूज करेंगे तो एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय या क्लोज होने पे भी ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता. सो इसे मैं हटा देता हूँ. अब जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटाऊंगा यहाँ बहुत सारे एरर्स आने वाले, हम एक एक करके इन एरर्स को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे. अब सबसे पहला एरर यहाँ है, तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ लिखूँ म्यूजिक सर्विस दो क्वेश्चन मार्क मीन्स हम कह रहे वो नल नहीं है डॉट मीडिया प्लेयर. ओके म्यूजिक सर्विस डॉट मीडिया प्लेयर. अब हमें ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा म्यूजिक सर्विस डॉट मीडिया प्लेयर. ओके एंड सिमिलरली यहाँ पे भी म्यूजिक सर्विस दो क्वेश्चन मार्क्स जो ये बताते कि वो नल नहीं है वैल्यू, एंड म्यूजिक सर्विस. ओके एंड सिमिलरली बाकी के लिए भी म्यूजिक सर्विस. ओके एंड यहाँ दो और जगह पे ऐसा कुछ करना है हमें. सो म्यूजिक सर्विस एंड फाइनली यहाँ पे. ओके परफेक्ट. अब नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है, हमें हमारे जो ऑन क्रिएट मेथड है जो क्रिएट मीडिया प्लेयर मेथड है इसे यहाँ से हटाना है क्योंकि हम चाहते हैं जब सर्विस कनेक्ट हो जाए उसके बाद ये मेथड रन करे. सो क्रिएट मीडिया प्लेयर मेथड एक बार जब ये सर्विस क्रिएट हो जाएगी उसके बाद मैं रन करना चाहूँगा. सो क्रिएट मीडिया प्लेयर. ओके एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब हमें करनी है वो हमारी सर्विस को मैनिफेस्ट में डिक्लेयर करना. अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो आप चाहे कुछ भी कर लो सर्विस रन नहीं होने वाली. सो एप्लीकेशन के नीचे या एक्टिविटी के नीचे
मैं एक सर्विस डिक्लेयर करने वाला हूँ, सर्विस, एंड जिसका नाम है म्यूजिक सर्विस, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब एक बार हमारी ऐप को रन करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि हमने कोई कोड ब्रेक तो नहीं किया है। ओके, ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। लेट्स से मैं कोई सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ। ओके, सॉन्ग प्ले हो रहा है एंड कोई कोड ब्रेक नहीं हुआ है एंड हमने सर्विस से सॉन्ग को स्टार्ट किया है। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ, आप देखोगे कि सॉन्ग बंद हो गया। फिर सर्विसेज की ज़रूरत क्या है? अभी तक हमने सिर्फ सर्विस को कनेक्ट किया, एकदम बेसिक सर्विस से कनेक्ट किया है। इन फ्यूचर हम लोग फॉरग्राउंड सर्विस का यूज़ करेंगे हमारे एप्लीकेशन को असिस्टेंट बनाने के लिए, जिससे अगर एप्लीकेशन बंद भी हो जाए तो वो सर्विस रन होती जाए और उसके लिए हमें एक नोटिफिकेशन बनानी पड़ेगी। सो इन नेक्स्ट सम वीडियोस हम नोटिफिकेशन बनाएंगे एंड फाइनली फोरग्राउंड सर्विसेज का यूज़ करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।